हेलो गाइस, टेक टेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके एंड्रॉइड डिवाइस में जब भी आप अपने फ़ोन में मोबाइल डेटा नेटवर्क ऑन कर रहे हैं तो उस समय अगर आपको इस तरह का एरर मैसेज मिल रहा है साइन इन टू नेटवर्क, अगर आप जियो यूज़ कर रहे हैं नेटवर्क, एयरटेल या फिर आइडिया, इस तरह कोई भी सिम कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है मेथड ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास जो है जियो सिम में इस तरह का एरर मैसेज मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप इस तरह का कोई इशू फेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके जो सराउंडिंग में जियो का नेटवर्क सही नहीं रहेगा तो उस समय आप जो इस तरह का एरर मैसेजेस फेस कर सकते हैं। तो आप अपनी जो है प्लेस चेंज करके देखिए थोड़ा सा, उसके बाद आपका इशू हो सकता है सॉल्व हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यूसली यही इशू फेस कर रहे हैं तो आप जो है नेक्स्ट मेथड ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको आपका फ़ोन एक मरतबा रिस्टार्ट करना है, ठीक है। रिस्टार्ट करने के बाद अपनी फ़ोन सेटिंग्स में जाइए, कनेक्शंस में जाइए, नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाइए, ठीक है। और उसके बाद मोबाइल नेटवर्क्स में जाइए, जो भी आपका जो सिम कार्ड है वो सिम कार्ड स्लॉट सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जो भी रिकमेंडेड सेटिंग्स रहती है इसकी, जैसे कि मेरे पास है LTE 3G 2G ऑटो कनेक्ट, ठीक है, ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से अगर आपका 5G हैंडसेट है तो वहाँ पे आपको 5G की सेटिंग्स मिल जाएगी, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है एक्सेस पॉइंट नेम में इस तरीके से, और टॉप राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट्स मिलेंगे, उस पर टैप कीजिए। रिसेट टू डिफॉल्ट का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप कीजिए, इसके एक्सेस पॉइंट जो है रिसेट हो जाएंगे। और नेटवर्क ऑपरेटर में जाइए, एक मरतबा आप उसको जो है डिसेबल करके इनेबल कीजिए, ठीक है। आप अपने नेटवर्क को यहाँ से ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक मरतबा आपका जो फ़ोन है रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद चेक कीजिए, आपका इश्यू 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर इनका सभी भी आप सेम ही इशू फेस कर रहे हैं तो अब आपको जो है लास्ट एक ही सोल्यूशन है इसका। अब आपको आपके फ़ोन की सेटिंग्स को, यानी कि सिर्फ नेटवर्क सेटिंग्स को रिसेट करना पड़ेगा। तो उसको रिसेट करने के लिए आपके सेटिंग्स में सर्च कीजिए रिसेट नेटवर्क सेटिंग, ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। सिर्फ आपको आपके नेटवर्क सेटिंग्स को रिसेट करना है, ऑल सेटिंग्स को नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी सिम कार्ड सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद रीसेट सेटिंग पे टैप कीजिए, आपकी सेटिंग्स रीसेट हो जाएगी। मतलब आपका जो फ़ोन है रीस्टार्ट कीजिए और आपकी जो सिम स्लॉट्स है उसको भी जो है इंटरचेंज कीजिए, आपका इशू 100% सॉल्व हो जाएगा। ये भी मेथड आपके पास वर्क नहीं कर रहा है तो लास्ट और इसका फाइनल सोल्यूशन एक ही है, आप अपने कस्टमर सर्विस को जो है कस्टमर सपोर्ट को कॉल लगाइए और आपका जो भी इशू है उनको बताइए, वहाँ से आप अपना इशू जो है सॉल्व करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया हो। अगर आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। थैंक यू वेरी मच।